हाथों में तिरंगा लिए और साथ ही में खाने पीने का छोटा मोटा सामान लेकर के तमाम युवा किसी पिकनिक पे नहीं निकले हैं, बल्कि ये अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में करीब 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करना इन युवाओं को अपनी नौकरी की मांग को लेकर। ये तमाम वो युवा हैं जिन्होंने अर्धसैनिक बलों के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसे तो दिया था, लेकिन जब मेरिट के आधार पर चयन हुआ तो ये तमाम युवा रह गए। करीब 5000 खाली पद जो अभी अर्धसैनिक बलों में बाकी हैं उन्हें भरने की मांग को लेकर के अब ये युवा निकले हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से इन्होंने सफर शुरू किया है, 13-14 दिन हो चुके हैं। इन्हें मध्य प्रदेश पार करना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए ये दिल्ली पहुंचेंगे। भोपाल से करीब 240 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सागर के पास में है, नरसिंहपुर से सागर के बीच का ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है। 50 के करीब संख्या में तमाम युवा इस चिलचिलाती गर्मी में 40 से 45 डिग्री तापमान में पैरों में छाले पड़ गए हैं। कुछ लोग भूख प्यास से गर्मी से परेशान होकर के बेहोश भी हो चुके हैं, लेकिन इनका हौसला डिगा नहीं है। इन तमाम युवाओं की मांग है कि इन्होंने जो परीक्षा दी थी जिसमें इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया था, उसके बाद ये फिजिकल में मेडिकल में क्लियर हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद इनका चयन नहीं हुआ, इन्हें नौकरी नहीं मिली। महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, ये तमाम युवा पहुंचे। देखिए ये जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये छाले पड़ गए इनके पैर में। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय। कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल से हैं। देखिए धनंजय, नागपुर के संविधान चौक से यात्रा शुरू की थी, अब 13 दिन हो चुके हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन इन्होंने मन में ठान रखी है कि जो मांग इनकी है वो पूरी होनी चाहिए। और धनंजय जैसे और कई लोग हैं इन पूरे सफर में जिनके पैरों में या तो छाले पड़ गए हैं या पैरों में पट्टियां हैं, लड़के हों लड़कियां हों, सब एक ही जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इनको जो नौकरी मिलनी चाहिए वो मिले। आगे की तरफ अगर आप देखें तो इनके साथ 4 से 5 की संख्या में जो लड़कियां हैं वो भी मौजूद हैं, उनके भी पैरों में अगर आप देखें तो चलते चलते पट्टियां बांधनी पड़ गई हैं, इनके भी पैरों में छाले हैं, तमाम दूसरी दिक्कतें हैं जो इन लड़कियों के सामने हैं, क्योंकि जिस रास्ते से ये गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा संपन्न इलाके होते नहीं हैं। कई बार जिस जगह से अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये यहाँ पर दूर दूर तक सिवाय जंगलों के पहाड़ियों के कुछ है नहीं, छुटपुट ऐसे छोटे छोटे ढाबे पड़ जाते हैं, तो ये लोग इनकी मदद कर देते हैं। साथ में इन लोग भी कुछ एक अपने साथ एक बॉक्स लेके चल रहे हैं जिसके जरिए लोग उसमें कुछ साधन इनको दे जाएं, कुछ नगद दे जाएं, जिसके जरिए इन लोग कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं फिर आगे निकल पड़ते हैं। तो ये दिक्कतें हैं इनके सामने, और सोचिए ये सब उस देश में हो रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा है दुनिया में, लेकिन ये युवा अपनी नौकरी की मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बात अटकी कहाँ पे थी, क्या हुआ था, ये बताएं कि आप लोगों को कब लगा कि आवाज़ नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम नागपुर से निकले और दिल्ली तक जाएं, पैदल निकलना पड़ा आप लोगों को? सर हम तो पिछले एक साल से दिल्ली जंतर मंतर में बहुत कठिनाई का सामना किया। उधर हमारा मांग लेके धरना प्रदर्शन किया सरकार के उधर, तो उसमें कुछ मतलब आश्वासन मिला सब जगह, हर जगह कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने चुना था नागपुर के संविधान चौक, तो उधर हम लोग लगभग 70-72 दिन आमरण उपोषण भी किया, और हर लड़का को 14-15-17-18 करके सेलन भी लगा था, उसमें वो भी कर लिया। तो उसमें हमारा आंसर मतलब रामदास आठवले ने मतलब वो आश्वासन दिया कि आप लोग, आश्वासन ही मिला मतलब काम अब तक नहीं हुआ है, आश्वासन मिला है, आश्वासन लंबे समय से मिल रहा है इन्हें, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है, और इसी को लेकर के अब ये तमाम युवा निकल गए हैं दिल्ली के लिए। आप देखिए ये हाईवे है, इस तरीके से दौड़ते भागते ट्रक जो है वो दिन रात इस हाईवे पे निकलते हैं, इन ट्रकों से भी इन्हें बचना होता है, जंगल का इलाका भी पड़ता है। छिंदवाड़ा से जब ये तमाम लोग निकले होंगे तो ऊंची घाटियां हैं, घने जंगल हैं, जंगली जानवरों का भी डर रहता है, तेज धूप का डर है, आने वाले दिनों में बारिश भी होगी, क्योंकि इन्हें दिल्ली पहुंचने में इनका मानना है कि जिस रफ्तार से ये चल रहे हैं एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर के करीब रफ्तार से, तो इन्हें दिल्ली पहुंचने में कम से कम 30 से 35 दिन और लग सकते हैं। इस बीच में मानसून भी आ जाएगा, तो मानसून की तेज बारिश भी होगी, आंधियां होंगी, लेकिन इन युवाओं का कहना है कि ये दिल्ली जाकर के अपने हक की आवाज़ जो है उसे उठाएंगे जरूर, ताकि इनका जो हक है एक अदद नौकरी वो इन्हें मिल सके। नेशनल हाईवे 44 से कैमरामैन एजाज के साथ मैं रवीश पाल सिंह।